हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अभी जो रिसेंटली बीबीपीसी का जो 64th मेंस का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था और क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है बीपीएससी, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज हम लोग इस लेसन में, इस वीडियो में बात करें हम लोग जीएस पेपर वन के बारे में, जीएस पेपर वन का क्वेश्चन किस प्रकार था। तो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान था, कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीएस पेपर वन में क्वेश्चन पूछता क्या है। तीन सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन हिस्ट्री होता है, दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स और तीसरा होता है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। पहला सेक्शन अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्वेश्चन 6 हिस्सा पूछा था, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन था, उसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। और स्टैट में 4 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना था। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था पूछा था, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। यहाँ पे बात किया जा रहा था 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किस प्रकार का हमारे यहाँ का भारतीय राष्ट्रवाद था, उसका विकास किस प्रकार के डेवलपमेंट हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसका समीक्षा करना था, आलोचनात्मक समीक्षा करना था। तो जनरली इस क्वेश्चन को हम लोग करेंट अफेयर से रिलेट करके देख रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको हिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। और बात कर रही है यहाँ पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव पे भारतीय राष्ट्रवाद किस प्रकार था, यानी इसको समझ सकते हैं कि आज़ादी के समय का राष्ट्रवाद के किस प्रकार का हमारे देश में विकास हुआ, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा इस पर उम्मीद नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रहना होगा। खासकर जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके आप बहुत सारे डायमेंशन को कवर करें, बहुत सारी चीज़ों को आप समझिए। पहले का जो हिस्ट्री है वो अभी का हिस्ट्री से अलग है, मतलब पहले का जो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है अभी के समय से थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह इज ए वाटर शेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मुद्दा। तो ये तो बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था, आप हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने इस पर वीडियो भी डाला था चंपारण सत्याग्रह कैसे हमारा बाकी सारे आंदोलन के लिए प्रेरणादायक रहा, इस पर हम लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके थे और इस पे हम लोग बहुत सारी बात किए भी हैं। तो ये क्वेश्चन तो जो भी बीपीएससी स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा सिस्टली, उसके लिए तो ये आसान क्वेश्चन होगा, वो इसको लिखा होगा अच्छा से। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडेंचर सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, मतलब 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारिकता पारंगत के क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना की। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिए हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। पहला बात क्या है, ओवरसीज इमिग्रेशन, उसका हिंदी तो और भी है, समुद्र पारिकता पारंगत, पता नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हिंदी के स्टूडेंट जो पढ़े होंगे हिंदी में हिस्ट्री शायद उनको समझ में आता हो। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में, 19वीं सदी के ब्रिटिश काल में, उस समय ओवरसीज माइग्रेशन, ओवरसीज का मतलब होता है एक्रॉस द सी, मतलब समुद्र के उस पार जिस प्रकार का माइग्रेशन होता था उसके क्या कारण थे, वो देना था आपको क्वेश्चन का पहला सेगमेंट में, कि मतलब एक देश समुद्र पार दूसरे देश में लोग जाते थे उसका क्या कारण था, उसके बारे में बात किया जा रहा है। किस समय की बात किया जा रहा है, ब्रिटिशकालीन इंडिया की बात कर रही है, उस समय में किस प्रकार था। दूसरा जो क्वेश्चन सेगमेंट आता हुआ आता है, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति, इंडेंचर सिस्टम होता क्या, इंडेंचर सिस्टम का मतलब होता है कि एक जगह से मजदूर को ले जाकर दूसरी जगह उससे काम करवाया जाता है, इसका मतलब हो गया कि मजदूरों का पलायन इसको कह सकते हैं। पहले जो हमारे यहाँ जो स्लेव सिस्टम था, दास प्रथा था, उसी का एक मॉडिफाइड रूप में माना जाता है इंडेंचर सिस्टम, एक तरह से कहा जाता है बॉन्डेड लेबर है, यहाँ से लेबर को ले जाते हैं दूसरी जगह और वहाँ पे उनके साथ मनमाना होता है, बहुत सारे शोषण भी होता है और उनको वहाँ पे काम करवाया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एशियन कंट्रीज के खासकर इंडिया के लोगों को वैसे जगह पे ब्रिटिशर्स लोग ले आते थे जहाँ पे कि इंडिया का जो क्लाइमेट था उसके अनुसार वहाँ पे माहौल है, तो वहाँ पे वर्क इफिशियंसी जो है ज़्यादा होती थी। तो इंडेंचर सिस्टम बेसिकली वही है, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इसको बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन को आपको आंसर देना था, तो आप इसको आंसर को लिख सकते थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इसके टर्म्स जो है वो समझने जरूरी थे, इस तरह क्वेश्चन हालांकि एक्सपेक्ट करना था मुश्किल था। चौथा क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनजातीय विद्रोह से, तो जनजातीय विद्रोह का क्या कारण था और उसको उदाहरण के साथ आपको बताना है, और कि ये आंदोलन जो है
मतलब खत्म कैसे हो गया, मतलब क्यों हुआ, इसकी कमजोरियों को भी बताना है। मतलब आपको बताना है कि आपको उनकी असफलता का कारण भी बताना है, क्यों सफल नहीं रहा। और उसके पहले की बात करें तो जन प्रतिरोध जो हुआ था, जो कि ट्राइबल प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके कारण क्या हुए, तो ये 19वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जो भी तैयारी किए हुए जो स्टूडेंट हैं वो तो इसको अच्छा से तैयारी किए ही होंगे। ट्राइबल गवर्नमेंट इस बार का हॉट टॉपिक था ही। जनरली एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिरसा मुंडा, इसमें बिरसा मुंडा का भी इंक्लूड करते हुए आप बहुत सारे जो ट्राइबल गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद किया कि ट्राइबल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखें तो पांचवा क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धि। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन आप लिख सकते थे, क्योंकि मॉडर्न आर्ट एक गेस्ट क्वेश्चन में आता था कि मॉडर्न आर्ट क्वेश्चन पूछ सकता था, 60-62 में क्वेश्चन पूछा था, तो उम्मीद किया जा रहा था कि ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। 60-62 में जो क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न आर्ट के साथ, वहां पर पूछा था किसके रिलेवेंस से पूछा था, अभी के समय में इसकी क्या इसकी जरूरत है, ठीक है, उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इस बार का जो क्वेश्चन है पूछा है बौद्धिक ध्यान से रिलेटेड, कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौलिक कला और स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण का, उस पर बुद्ध का जो धर्म का किस प्रकार के प्रभाव देखा गया। इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बहुत आप लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, हालांकि कोई भी क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, सिर्फ मौलिकालीन और विशेषताएं लिख देने से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न जो है मतलब पहले के जैसा बिल्कुल नहीं रखा, इसमें कुछ चेंजिंग ला रहा है जिसमें कि आप रिलेट कर सके, आपको रिलेट करने का आप में एबिलिटी हो, क्षमता हो। छठा क्वेश्चन था, इसमें शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, ये भी देखा गया हिस्ट्री में जनरली शॉर्ट नोट्स नहीं पूछा जाता था, इस बार शॉर्ट नोट्स पूछा है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है ABC, उसमें से 2 को बनाना है। पहला था वर्किंग क्लास एंड नेशनल गवर्नमेंट, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर वर्ग की किस प्रकार की भूमिका थी, उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट इसको तैयार किए होंगे, मजदूर आंदोलन और मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको तो लिख सकते हैं। बीच का जो क्वेश्चन था, यानी दूसरा का क्वेश्चन था, वो था इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 और कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। 1881 का जो जनगणना था उस समय कास्ट और धर्म का पहचान किस प्रकार का प्रभाव रहा उस जनगणना में, तो इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। 1881 जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम सिंक्रोनस सेंसस शुरू हुआ था, मतलब स्टील से लिवा ढंग से जनगणना शुरू हुआ था, उसके पहले जो था वो 1872 में किया था, लेकिन उस सिलसिला 1881 से सिलसिलेवार ढंग से हुआ था। 1881 की जनगणना पर जो ध्यान दिया गया था वर्किंग ग्रुप पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, कि कौन से क्लास के लोग कौन से काम करते हैं, कास्ट के आधार पर काम को इसमें डिफाइन किया गया था, बताया गया था, उसको एक जनगणना तैयार किया गया था। महिलाओं की काम में कितना भूमिका था उस पर तैयार किया गया था। धर्म रिलीजियस आइडेंटिटी पे इस पर तैयार किया गया था, कि कौन धर्म का है, उसकी क्या मतलब मान्यताएं हैं और किस प्रकार के वो काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को रिलेट करके वो तैयार किया था सेंसस। तो वही पूछ रहा है कि जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव किस प्रकार था। सी क्वेश्चन था नेहरू और धर्म निरपेक्षता था, नेहरू एंड सेकुलरिज्म। ये क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि सेकुलरिज्म में काफी चर्चा का विषय था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग तैयार किए होंगे, नेहरू से रिलेट करके भी तैयार किए होंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन पूछा था, 3 क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है जो सीरियसली तैयारी किया है। पहला चंपारण सत्याग्रह कोई भी बना लेगा। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो जनजातीय ट्राइबल जो हमारा ट्राइबल प्रोटेस्ट हुआ, ट्राइबल मूवमेंट हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको भी बना सकते हैं। तीसरा मॉडर्न आर्ट, तो 3 क्वेश्चन बनाना था, 3 क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो बाकी का जो 3 क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अभी 3 क्वेश्चन पहले के पैटर्न से फॉलो करके पूछता है, हो सकता है आगे 2 ही क्वेश्चन पूछे, आपको एक क्वेश्चन इन लोग में से बनाना ही पड़ेगा जो कि थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हिस्ट्री का है, इसके क्वेश्चन का भी तैयारी करने में बहुत सारी आपको बारीकियों पर ध्यान देना होगा। हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे के वीडियोज में। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 7वां क्वेश्चन था, वो था व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हिस्सा है, उसका मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था असमानता, इनइक्वालिटी पर बात किया गया था। यहाँ पर विश्लेषण किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है। पहला सेगमेंट है जिसमें कि बताया गया है UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उस पर क्या चीज पर मेनली फोकस किया है, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन हो गया, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा सेक्शन में है कि जो विश्लेषण आता है, इसका जो रिपोर्ट आता है, वो किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति उससे आगे चला जाता है। आगे जाने का मतलब हो गया कि
पहले जो था वो इनकम बेस्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जनरली इनकम पे ज़्यादा जोर दिया गया जाता था, इनकम के आधार पे इनक्वालिटी यानी असमानताएं के बारे में बात की जाती थी। अभी जो है इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर बात की जाती है, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट हुआ, इकोनॉमी कितना ओपन इकोनॉमी है, कितना वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड, कितना इकोनॉमिक ग्लोबलाइज्ड है, इन सारी चीज़ों पर भी अभी के समय देखा जाता है। तो अभी जो है जो कहा जाए तो इनइक्वलिटी इनकम के आधार के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब यहाँ पे आय के अलावा और भी चीज़ों के बारे में अब बात किया जाता है। दूसरी बात किया जाए तो औसत, औसत पहले था कि एवरेज तैयार किया जाता था, अभी जो है बहुत हद तक एक्यूरेट डाटा अब आने लगा है, तो एक्यूरेसी भी बहुत हद तक एकदम संभव हो गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड की बात किया जा रहा है कि अभी के समय जो है, अभी के समय को ध्यान में रखते हुए जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है तैयार किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल कहा जाए तो एक मतलब एक पैटर्न से सिलसिलेवार ढंग से पूछा गया था, पहले UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी विशेषता पूछा था, 2019 का किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है, उसके बाद में अभी के समय जो है देखा जा रहा है इनकम के आगे की बात किया जा रहा है, और एवरेज से एवरेज में भी आगे की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में भी हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग है मतलब रिसेंट ट्रेंड की बात की जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्या सही में हमारा डाटा सही आ रहा है, किस हद तक सही है और किस क्या क्या इसमें कमियां हैं, आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना होगा। नौवां क्वेश्चन देखें तो संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास यानी बात किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 17 गोल है, 17 गोल से उसमें पूछ रहा है कि उसके की जो वेरिएबल्स, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें जो मेन मेन चीजें हैं जो कि वेलबींग, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कि अपने मतलब जीवन को सुधार करने के लिए कितना जो जरूरी है, जो उसके लिए जो मेन मेन जो वेरिएबल्स, 17 के 17 लिखने की जरूरत नहीं थी, उसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसके बारे में मेंशन करते हुए आपको लिखना था। क्वेश्चन को देख लेते, क्रिटिकली एग्जामिन द की वेरिएबल्स दैट सपोर्ट वेलबींग एज पर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायकता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। ठीक है, उसके बारे में बताना था कि जो की वेरिएबल्स उसमें किस हद तक सही हुआ है, किस हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या अभी भी कमियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करना था। 10वां क्वेश्चन था जो इंडिया और नेपाल की बात किया जाता है, ओपन बॉर्डर के बारे में बात किया गया था, दो राष्ट्रों के बीच लोगों का मुक्त आवागमन का जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया, मीन्स ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के साथ क्यों अपनाया है। इंडिया नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर पॉलिसी का मतलब हो गया कि इंडिया के लोग नेपाल में इजीली जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा, और नेपाल के लोग भी इंडिया में आ सकते हैं, उसी तरह इंडिया और भूटान के साथ हैं, भूटान के लोग यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट वीजा और यहाँ के लोग जा सकते हैं, यानी ओपन बॉर्डर पॉलिसी की बात किया जा रहा है। तो क्यों किया गया है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्यों अपनाया, इसको समझाना है। इसके लिए आप जो है सिंपल आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया के लिए नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भूटान कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आईआर तैयार करते हैं तो सबसे पहला चीज जो ध्यान दीजिए वो यही है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया और पड़ोसी देश के साथ पूरे रिलेशंस को काफ़ी अच्छा ढंग से 5-5, 6-6 पॉइंट जो है पश्चिमी विपक्ष में आप तैयार कर लीजिए। आपको आईआर जो है दिनों दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है करंट अफेयर्स के लिए। 11वां क्वेश्चन था वो पूछा था कि डिस्कस द यूए इन्विटेशन फॉर इंडिया एज गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड द OIC फॉरेन मिनिस्टर मीट एज ए सिग्नल चेंज इन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल का मतलब हो गया कि ज्योग्राफिकली पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, एक देश दूसरे देश के बीच में जो राजनीतिक जो होती है पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में बात की जा रहा है। अभी जो है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका अभी अबू धाबी में मीटिंग था, सम्मेलन था, उसमें इंडिया को भी बुलाया गया था, इस पर जो है पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज किया, उसके बावजूद जो है OIC में इंडिया को बुलाया गया। पाकिस्तान बोलता है कि चूंकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है इसी कारण इंडिया को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन OIC का कहना था कि इंडिया जो है बहुत ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, इस वजह से इंडिया को आना भी जरूरी है। इंडिया को बुलाया गया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए भी सुषमा स्वराज जी, इस पर पाकिस्तान विरोध किया और पाकिस्तान जो है अपना फॉरेन डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं भेजा। तो ये उसी से रिलेटेड है, क्या हमारा ये डिप्लोमेटिक जीत है जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, और ये हमारा डिप्लोमेटिक जीत है तो किस प्रकार है, क्या इससे हमारा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा रिलेशन जो अरबियन कंट्रीज है और भी बेहतर होते जा रहा है, उसी चीज़ को आपको रिलेट करते हुए लिखना है। इसमें क्वेश्चन लास्ट में यही था कि सांकेतिक परिवर्तन के रूप में यहाँ पे बोला जा रहा है
ये एक सिग्नल चेंज है जियो पॉलिटिकली कि हमारे यहाँ का जो डिप्लोमेसी है उसमें एक सिग्नल के रूप में दिया जा रहा है कि किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। ये हमारे कहा जाता है डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी जीत के रूप में माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है वो स्टैटिस्टिक्स से आता है। तो जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए तो चार क्वेश्चन था, इसमें से दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनाए भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा गया कि एक क्वेश्चन बना है सही, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसे हैं, एक दो उसमें जो पांच सेक्शन होता है ए बी सी डी उसमें से एक दो क्वेश्चन गलत हो गया है या फिर नहीं बना पाए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये अधिकांश स्टूडेंट का जो मैं देख रहा हूँ डाटा उसके अनुसार कि एक क्वेश्चन तो स्टेट का सही है, दूसरा स्टेट के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है जिस प्रकार का क्वेश्चन इस पर पूछा गया था। तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो, आप अगर एक क्वेश्चन सही बनाया है स्टेट का तब आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, और बाकी का आंसर सही है तो आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए आपका क्वालिटी आना है। तो अभी के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन का पैटर्न दिनों दिन बदलाव आ रहा है। पहला चीज करेंट अफेयर्स के लिए मैं खास कर बोलूंगा कि किस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रही है। करेंट अफेयर्स के लिए राज्यसभा टीवी जो भी नए नए जो मीटिंग्स होते हैं समिट्स होते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बस पाँच पाँच लाइन दस दस लाइन में आप उसके बारे में मेन मेन चीज़ को कम से कम तैयार करिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछता है मैं उसको लिख सकता हूँ। उसके अलावा आईआर जितने भी इंडिया और आसपास के जो देश हैं उसके साथ सारे चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, पाँच पाँच दस दस लाइन ही तैयार कीजिए लेकिन तैयार कर लीजिए टॉपिक। उसके अलावा जो इंडिया और जो बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इन सब के साथ कैसा रिलेशन है, सेंट्रल एशिया के साथ कैसा है, इन सारी चीज़ों को आप तैयार कीजिए तभी जाके आपको करेंट क्वेश्चन जो है दिमाग में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करेंट क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम हुआ है पेपर वन में और स्टैट में। हिस्ट्री तीन क्वेश्चन तो बनाने लायक था ही, तीन क्वेश्चन लोग बनाए ही नहीं लेकिन करेंट में थोड़ा सा उलझन हुआ। इस कारण मेरा मानना है कि आप इस क्वेश्चन के अलावा भी मोस्टली कोचिंग जो होते हैं संस्थान या फिर जो भी लोग होते हैं इस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रहते हैं, इस क्वेश्चन पर नहीं होगी। आप ओवरऑल जानकारी देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदलते जा रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई करें जल्दी से जल्दी तब आपको इस बदलते पैटर्न को बहुत जल्दी आपको अडॉप्ट करना होगा तभी जाके कुछ अच्छा होगा। तो यही था इस जीएस पेपर वन का, जीएस पेपर टू के बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपनी जो राय है इसके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, आप बताएं कि आपकी नज़र में जीएस पेपर वन किस प्रकार था। आप अपनी राय को जरूर लिखें, स्वागत है यहाँ पे, उसके आधार पे जो है इसमें और भी नया चीज़ को सुधार किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर।